सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। रास्ते पर सोते हुए हमें अक्सर कई बेघर लोग दिख जाते हैं, ऐसे ही एक बच्चा इस समय सुर्खियों में है। इस बच्चे का नाम अंकित है और इसकी उम्र महज 10 साल बताई जा रही है। अंकित की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई, जिसमें वह इस कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पे अपने कुत्ते डैनी के साथ एक ही कंबल में सोता हुआ नजर आ रहा है। इस फोटो के बारे में जैसे ही यूपी पुलिस को सूचना मिली तो पूरी टीम इस लड़के को खोजने में जुट गई, जिसके बाद पता चला कि फिलहाल ये बच्चा मुजफ्फरनगर के एक फुटपाथ पर रहता है। इसके बाद पुलिस इस बच्चे से मिलने पहुंची और बातचीत के दौरान उसने पुलिस को बताया कि उसे ये तक मालूम नहीं कि वह कहां से आया है। उसे बस इतना पता है कि उसके पिता जेल में हैं और मां ने उसे रास्ते पर छोड़ दिया। अब परिवार के नाम पर उसके पास बस डैनी है। अंकित अपना और अपने कुत्ते डैनी का पेट भरने के लिए कभी गुब्बारे बेचता है तो कभी चाय की दुकान पर काम करता है। पिछले कुछ समय से अंकित की जिंदगी कुछ इसी तरीके से बीत रही है। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देश पर पुलिस ने अंकित का पता लगाया था और इस समय अंकित पुलिस कस्टडी में है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि जब अंकित चाय की दुकान पर काम करता था तो उसका दोस्त डैनी वहीं कोने में बैठा रहता था। यह लड़का इतना खुददार है कि कभी भी मुफ्त का कुछ नहीं लेता, यहाँ तक कि वह अपने कुत्ते के लिए दूध भी किसी से नहीं मांगता। पुलिस अंकित के घर वालों को लगातार ढूंढ रही है। उसकी तस्वीर भी आसपास के जिला थानों में भेज दी गई है। इसके अलावा जिला महिला एवं बाल कार्यालय विभाग को भी इस बात की सूचना दी जा चुकी है। अब अंकित एक स्थानीय महिला शीला देवी के साथ रहेगा, जिसे वह पहले से ही परिचित है। खास बात यह है कि पुलिस ने अंकित के रहने के बंदोबस्त के साथ ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था भी बखूबी की है। अंकित अब एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। पुलिस प्रशासन ने स्कूल मैनेजमेंट से बात करके अंकित की पढ़ाई मुफ्त करवा दी है। सोशल मीडिया के द्वारा बस अंकित को लोगों ने जाना था, लेकिन यूपी पुलिस ने तो उसकी जिंदगी ही संवार दी।